ठीक। अब एक पॉइंट और समझिएगा, एक वर्ड होता है, अच्छा ये जो पोल से ये लाइन जा रही है फोकस और सेंटर से होते हुए, इसको स्ट्रेट इंक्रीज करते हुए जाएंगे तो ये जो लाइन आपको फॉर्म हो जाएगी इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेज़र किए जाते हैं और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मेज़र किए जाएंगे। अभी आपको मैं लास्ट में आगे पढ़ाऊंगा मिरर फार्मूला, 1/f=1/v-1/u। इस तरह जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो जो डिस्टेंस लिए जाएंगे वो सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेज़र किए जाएंगे और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मेज़र किए जाएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस का एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है, पास करती है, ऐसी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यह प्रिंसिपल एक्सिस इस तरफ भी जा सकती है। इतनी बात क्लियर हुई। इतनी चीज़ें यूज़ होंगी जब आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना चाहेंगे। अब इमेज क्या समझना है, आप जाके आईने के सामने खड़े हो जाइए, आपका इमेज आईने में नज़र आएगा, ठीक है। हाँ आप देखिए, तो किसी भी इमेज को फॉर्म करने के 3 रूल्स होते हैं। इमेज को रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज को फॉर्म करने का रूल, तो देखिए फर्स्ट रूल ये होता है, चलो समझ जाए। फर्स्ट रूल ये होता है कि जैसे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो कोई भी लाइट रेज जो है इस तरह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके तब टकराएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही होकर जाएगी। ये आपका फर्स्ट रूल है कि जब कोई भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होकर ही पास करती है, वो किसी भी तरफ से आती है वो पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। ये फर्स्ट रूल है। और सेकेंड रूल ये होता है कि कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये सेकेंड रूल है। फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होकर पास करेगी, और अगर कोई लाइट रेज इस तरह आ रही है कि प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। ये दो रूल हो गए। थर्ड रूल ये होता है कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है तो वो उसी पाथ के अलॉन्ग लौट जाएगी। ये थर्ड रूल है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है तो वहीं आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर वो लौट जाएगी। ये थर्ड रूल है। ये तीनों रूल हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा एक ही कुछ और भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई इमेज कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है और उसका आप इमेज फॉर्म करना चाहते हैं तो मैं बार बार यूज़ करता हूँ रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर ये इंसिडेंट कौन बातें कर रहा है, देखो अनस बातें कर रहे हैं आप लोग। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे का एप्लीकेशन ये है कि उसी के हेल्प से आपको इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन होगा। और हमेशा याद रखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप इमेज फॉर्म करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आपको 2 रेज आप पास कराएंगे। तो जब 2 रेज आपने पास कराया इसकी मीनिंग हुई कि आपने 2 इंसिडेंट रे पास कराया। इंसिडेंट रे जो होती है जब वो चलती है तो जाकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, टकराती है, और वही 2 इंसिडेंट रे 2 रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाएंगी, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जाकर जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उस पॉइंट से
प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और वही परपेंडिकुलर जो होगा वही आपके इमेज का साइज होगा। तो जहां पर इमेज कहां पे फॉर्म होता है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगा और उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो वही परपेंडिकुलर जो होगा वही इमेज का साइज होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। सपोज करिए कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज किस तरह फॉर्म होगा, या यहाँ पर हम इनफाइनाइट समझ कंसीडर करते हैं तो इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज किस तरह फॉर्म होगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हैं तो इमेज किस तरह फॉर्म होगा, या प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन रखते हैं तो किस तरह फॉर्म होगा, यही पॉइंट समझना है। और इसी पॉइंट पर आपका न्यूमेरिकल फॉर्म होता है तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। ये आप थ्योरी समझ लीजिए आपके लिए इजी हो जाएगा, उसकी बात अभी बाद में करेंगे, पहले हम कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं वही समझिए। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ये है, अभी वो दूसरी पॉइंट है उसको मैं बाद में बताऊँगा, आपके सिलेबस में है वो मिरर फार्मूला, जब मुझे बताना होगा तब मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, समझ पा रहे हो हम। देखिए क्या करेंगे हम एक, अब देखिए ये थ्री रूल्स यूज होंगे। अगर पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से होके पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए आ रही रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही वहीं पे लौट जाएगी, जैसे मैं जहाँ से आया हूँ अभी वहीं लौट जाऊँगा, तो कुछ इस तरह की स्टोरी रहेगी। देखिए मैं ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बियॉन्ड रखूँगा, मैं यहाँ पर कहीं रखूँगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट को रखा है तो हमें इमेज किस तरह फॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए इस तरफ इनफाइनाइट है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इनफाइनाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे हम एक कॉनकेव मिरर फॉर्म करेंगे, यहां पे आपका कहीं पे पोल होगा, यहां पे फोकस होगा, यहां पर सेंटर ऑफ, एक ही ख्याल रखिएगा जब आप लोग फॉर्म करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का स्केल होना चाहिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, मेरा शायद इक्वल नहीं है, ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फॉर्म किया है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना होता है तो कम से कम दो रेज की हमें ज़रूरत होती है, और वो दो रेज हम क्या किस तरह पास कराएंगे, वो जो हमारे पास थ्री रूल्स हैं उन्हीं में से रूल हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से देखिए ये पैरेलल पास कर रही है, अब ये लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, ये फोकस से, तो फोकस से कुछ ये इस तरह पास की, ठीक। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन अभी मैंने कहा कि जिस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना होता है तो हमें दो रेज की ज़रूरत होती है, और दो इंसिडेंट रेज मिल जाते हैं तो दो रिफ्लेक्टेड रे ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा रेज इस तरह पास करेगी, पास क्या इसने, इसमें दो रूल फॉलो हुए हैं, एक मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, आप लोग थोड़ा जब उसको मेजर करके बनाएंगे तो करेक्ट पास होगा आपको, ठीक है। फर्स्ट रेज क्या थी, पैरेलल आई थी, तो
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होके हुए गुजरेगी, ये रूल है। सेकेंड ये है कि सेकेंड जो रे आ रही है वो प्रिंसिपल फोकस से होके पास कर रही थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपको ऐसे से पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए जिस पॉइंट पर दोनों, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो यहां से ड्रा करेंगे, ये ड्रा किया, ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई। अब देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, या बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट्स के बाहर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखते हैं, या आप ऑब्जेक्ट को, यहां पर इनफाइनाइट है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इन दोनों के बिटवीन जब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो हमें इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन ऑब्टेन होती है, और वो इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया तो इसका इमेज जो बना उस इमेज का पोजीशन और करेक्टरिस्टिक आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको, हमको ये बताना है पोजीशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। देखिए फर्स्ट पॉइंट पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। सेकेंड देखिए एक चीज ख्याल रखिएगा, आप नेचर एक्सप्लेन करना है। नेचर की मीनिंग हुई कि हमारा जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। यहाँ पर हमारा इमेज उल्टा बन रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट उल्टा बनता है तो उसे कहते हैं इमेज जब उल्टी बनती है तो उसे कहते हैं इन्वर्टेड इमेज बनी है, तो ये आपका इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा। और देखिए जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मिलती हैं, रियली मिलती हुई नज़र आती हैं, तो कहा जाता है कि जो इमेज है वो रियल इमेज है। अक्सर जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो रियल भी होती है। तो थर्ड पॉइंट रियल हो गई। अब देखिए ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो कहा जाएगा कि इमेज जो है डिमिनिश्ड है, छोटा हो गया है। ये बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, अभी मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा था, अब मैं ऑब्जेक्ट को लाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको रखने के लिए मुझे इधर आना होगा। कुछ समझ आ रहा है, अरे नोट कर लीजिए, नोट किया। Thank you.